Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. We will prove one theorem here, and that is related to area of shapes. ठीक है, तो यहाँ पे हम define करते हैं. Theorem की statement ये है, parallelograms on equal basis and having equal altitudes are equal in area. ठीक है, मतलब वो पैरेललोग्राम जिनकी बेसिस सेम हो और उनके altitudes भी सेम हो, उनका एरिया इक्वल होता है. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम बेस एंड इक्वल बेस. जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं ना, तो वो सेम बेस से रिलेटेड थ्योरम था, लेकिन यहाँ पे हमने इक्वल बेस से रिलेटेड थ्योरम करना है. तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. बेसिकली जब हमें कहा जाता है कि सेम बेस है, तो हम उसी बेस के साथ एक न्यू पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको गिवन है कि बेस इक्वल है, तो आप क्या करें, सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस कंसीडर कर लें. ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है कि एल्टीट्यूड सेम है. एल्टीट्यूड सेम होने की वजह से ना, हम पैरेलल लाइंस के दरमियान ही फिगर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जब हम जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान अगर हम ड्रॉ करते हैं ना, तो तब हमारे पास इसका एल्टीट्यूड इक्वल होगा, अदरवाइज नॉट. तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमने दो यहाँ पे बेसिस कंसीडर करनी है. मैं येलो कलर में मार्क कर रही हूँ दोनों को. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें कि अगर आपने ना ये जो ए बी है ना, इसको 5 सेंटीमीटर लिया है ना, तो कन्फर्म है कि सी डी को भी 5 सेंटीमीटर लें. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा न्यू वर्किंग हमारी ये होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम्स को प्रॉपर कंसिडर करना है. ठीक है, और उन पैरेललोग्राम्स के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है. तो नेक्स्ट वर्किंग में आप ये करें कि इन पैरेलल इन बेसिस से आप दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ कर लें. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इस बेस के साथ ब्लू कलर में मार्क कर लेते हैं. ठीक है, एक ये पैरेललोग्राम. ठीक है, और मैं प्रॉपर इसको ब्लू ही कर रही हूँ. और फिर आप ये करें कि येलो कलर में एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें जो कि इस टाइप की आ रही है. ठीक है, अब आपने इस वर्किंग में इनके एरियाज को इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमने नेम्स यहाँ पे मेंशन किए हैं ना, ये भी सीक्वेंस में कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो. मैं जो येलो कलर में शेप है इसको ए बी सी डी मार्क कर रही हूँ, और जो ब्लू कलर में है इसको ई एफ जी एच मार्क कर रही हूँ. ठीक है, सीक्वेंस में मैंने सारी नेमिंग भी कर दी है. अब हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं. देखिए गिवन आपको ये है कि पैरेललोग्राम्स और वो पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी और ई एफ जी एच है. ठीक है, आर ऑन इक्वल बेसिस. ठीक है, और साथ ही कंडीशन गिवन है हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स. ठीक है, इक्वल एल्टीट्यूड के लिए ना हमने दो पैरेलल लाइंस के दरमियान इन शेप्स को ड्रॉ किया है. तो देखिए इक्वल बेसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ए बी साइड आ रही है ना, वो बेसिकली ई एफ के इक्वल है. ठीक है, तो मेजरमेंट्स इनकी इक्वल होंगी. कंडीशन में हमने ये लिखना है कि इनकी मेजरमेंट्स इक्वल होंगी. अगर मेजरमेंट्स इक्वल हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इससे रिलेटेड जो टू प्रूव की कंडीशन है ना, वो लिख लेते हैं. तो टू प्रूव में हमने क्या प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ शेप ए बी सी डी है वो इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ई एफ जी एच के. थ्योरम को प्रूव करने के लिए ना यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी है. ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए. हमने खुद से ना, मतलब देखिए थ्योरम को प्रूव करने के तीन मेथड होते हैं. एक होता है राउंड सपोजिशन,
एक डायरेक्ट प्रूव होता है और एक कंस्ट्रक्शन होता है। तो प्रीवियस जो थ्योरम हमने डिस्कस किया था वो तो डायरेक्ट प्रूव हो गया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। और आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन को हम ऐसा करते हैं कि पिंक कलर में मार्क कर देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है कि ए बी और एच जी, ये जो दो साइड आ रही है ना, इनको आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, ए को एच से ज्वाइन कर दें और बी को जी से ज्वाइन कर दें, ठीक है। आप देख सकते हैं पिंक कलर में एक न्यू ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। और अब हमें ऑब्वियसली इसके लिए कोई कंडीशन भी लेनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर लिख लेते हैं, प्लेस द पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ए बी जी एच है, ठीक है। बाय ज्वाइनिंग ए टू एच एंड बी टू जी, ठीक है। अच्छा, और ये आपने इस तरह प्लेस की है ना, सच दैट आपके पास कंडीशन ये आ रही है कि ऑन एच जी देयर आर टू पैरेललोग्राम्स स्टैंडिंग, ठीक है। और वो कौन कौन सी हैं, एक है ए बी जी एच, ठीक है, और एक है ई एफ जी एच, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एच जी से एक ब्लू वाली शेप कंप्लीट हुई भी है और एक पिंक वाली शेप कंप्लीट हुई भी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे आपने ए बी जी एच और ई एफ जी एच लिया ना, अब आप यहाँ पे देखें ए बी लें अगर आप, ठीक है, तो ए बी इज कॉमन बेस या सेम बेस, ठीक है, सेम बेस फॉर ए बी सी डी, ठीक है। और जो दूसरी शेप आ रही है वो ए बी एच जी आ रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ए बी से भी दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक येलो और एक पिंक, ठीक है। और इसी तरह अगर एच जी को देखते हैं तो उससे भी दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक पिंक और एक ब्लू। तो बेसिकली हमने ये कॉमन बेस फॉर टू ट्राइंगल्स इस वजह से कंसिडर किए हैं क्योंकि पिछला थ्योरम हम डिस्कस जो कर चुके हैं वो यही था कि पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। तो अगर इनका एरिया इक्वल होगा तो ऑब्वियसली हम इन तीनों ट्राइंगल्स को बारी बारी कंसिडर करके इनके एरियाज को इक्वल करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे उन रिजल्ट्स को आगे यूज करेंगे।